हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। या दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर देंगे, यानी आज से इसका कोई भी टेंशन नहीं बचेगा, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C और आज 1D को भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरे एक्सरसाइज के A to Z क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है। तो आप अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप शुरू से देखें, आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट आपके अंदर हो जाएगा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही आसान लगेगा। कुछ भी नहीं है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप हमारे कॉन्सेप्ट के हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1D का 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आज ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों डेप्रिसिएशन के बेस्ड पे है, यानी ऑन डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, बट आप उसको ध्यान ना दें, आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे और क्या कहता है। कह रहा है, आप स्क्रीन के पे भी क्वेश्चन देख पाएंगे, तो कह रहा है ए मैन बाइज शेयर्स वर्थ रुपीज 20,000। तो बच्चों शेयर को बाय किया तो उन्होंने शुरू में ही उसका पे किया है, वर्थ क्या है, कितना, 20,000। दैट मींस वो क्या हो गया हमारा बच्चों, वो हो गया हमारा, आप लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, ए मैन बाय शेयर कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स इक्वल टू दिस, तो उसी को हम लोग कॉस्ट को जो स्टार्टिंग में होता है बच्चों, इस केस में हम लोग इसको पी कहते हैं और ये हमारा दिया हुआ है 20,000 रुपीज। समझ पा रहे हैं। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ हिज शेयर्स डिक्लाइन यूनिफॉर्मली बाय 10%, तो आप देखिए ये जो डिक्लाइन हो रहा है तो ये हुआ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी क्या हो गया बच्चों, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू आर इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 10%। आप समझ रहे हैं, आप लैंग्वेज लिखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, पर ईयर का केस हुआ, हाउ मच मनी विल मैन गेट बाय सेलिंग हिज शेयर्स आफ्टर 2 ईयर, यानी आपको टाइम दिया हुआ है कितना बच्चों, 2 ईयर, कितना दिया है 2 ईयर। तो आप देख रहे हैं कि ये डेप्रिसिएशन का केस है, यानी ये डिक्लाइन कह रहा है, दैट मींस आप जान रहे हैं कि 2 साल के बाद अगर ये डेप्रिसिएशन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा पूछ रहा है, दैट मींस ये पूछ रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तो बच्चों इस केस में डेप्रिसिएशन या फिर ग्रोथ के केस में हम लोग क्यू फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 - R/100 क्या हो गया, टी हो गया, कोई दिक्कत है, तो समझ पा रहे हैं आप, 20,000 × 1 + हैबिट है तो प्लस लिखा गया, माइनस होता है फिर देखिए प्लस हमने लिख दिया, तो -10/100 t। ओके बच्चों, ये किसका है, क्वांटिटी का हो गया, तो क्वांटिटी में देखिए कैंसिल हो गया और इधर से देखिए 10 और 1 सेपरेट हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 20,000 × 9/10 ये कैंसिल हो गया बच्चों, 9 × 2 = 18 हो गया और उस पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 18,000 हमारा क्या हो गया, नहीं आंसर है, सही आंसर है कि नहीं आंसर है, तो आप कहेंगे कि सर नहीं आंसर है, तो देख लेते हैं क्या हो गया, ओ कपार हो गया, तो ये देखिए मैंने क्या किया, ये टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं रखा हमने, ये बच्चों टाइम कितना हो जाएगा 2, कहाँ दिमाग चला गया, रैंसमवेयर मेरा माइंड खा गया है, आप देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में रैंसमवेयर आ गया था, वायरस नहीं, हैक कर लिया था, हैक वायरस नहीं था, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हो गया, देखिए ये हो गया 9, 9 = 81, 2 ये हो गया हमारा 16, 2 और 20 चुपका दीजिए, तो चुपका दिए, तो हमारा क्या आंसर हो गया 16,200, तो ये रहा आपका आंसर। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा द प्राइस ऑफ मशीन डिप्रेसिएट बाय 20% एवरी ईयर, यानी ये हो गया फिर से रेट ऑफ डिप्रेसिएशन, तो रेट इक्वल टू कितना हो गया 20% हो गया, टाइम भी दिया हुआ होगा तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, तो डिप्रेसिएशन है 20%, एट द एंड ऑफ 3 ईयर, यानी टाइम दिया हुआ है हमारे पास 3 ईयर, ठीक है, ओके, कह रहा है द प्राइस कम्स डाउन टू दिस,
यानी ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया कम्स डाउन हो गया कितना, तो इतना हो गया, कम्स डाउन टू इतना, कम हो के उतना हो गया, यानी लास्ट में हो गया, दैट इज क्यू है हमारे पास 12800। हाँ सर सही है, 12800 है। तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ मशीन, मशीन 3 ईयर बैक, तो ये कह रहा है समझिएगा कि ये आफ्टर 3 ईयर जो है ना बच्चों, इतना प्राइस हो गया है, कितना हो गया, इतना हो गया है। तो कह रहा है बैक अगर आप जाएंगे, यानी 3 ईयर से पहले आप जाएंगे, तो पहले क्या होता है, ये आफ्टर है बच्चों, ये लास्ट अमाउंट है, और पहले अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी आपको क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। तो बोलेंगे हाँ सर लैंग्वेज तो आप समझा देते हैं, और ये वाला मेथड सबसे अच्छा है लैंग्वेज समझने का, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, Q का ही फॉर्मूला लगाएंगे, डेप्रिसिएशन का केस है, आप लिख लेंगे यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 1 - R/100 टू दी पावर T, ओके बच्चों। तो देखिए हमारा है 12800 इक्वल टू, P नहीं पता तो कोई बात नहीं है, चलिए 1 - R है हमारे पास 20/100 टू दी पावर T, मतलब 3 हो गया, तो हो गया बच्चों 12800 इक्वल टू P into, ये देखेंगे 25 जा होगा ना, 25 जा, और ये 5 और 1 माइनस हो जाएगा, तो 4/5 का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बच्चों 12800 इक्वल टू P into 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 4 × 4 = 16, और 16 का स्क्वायर, 4 × 4 = 60, क्यू ही है ना, 4 × 16 = 64 / इसका हो जाएगा 125। तो आप देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप P इक्वल टू फाइंड कर पाएंगे, P इक्वल टू क्या फाइंड कर पाएंगे, हो जाएगा हमारा 12800 इंटू 125 / 64, देखिए ये 64 टू जा हो गया, तो 200 हो गया, 125 टू जा 250, और 20 चुपका दीजिए, चुपकाना मतलब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा कि बच्चों ये जो है ना कम्स डाउन, आप लैंग्वेज देखेंगे फिर से स्क्रीन पे, कह रहा है कि कम्स डाउन टू दिस अमाउंट, तो कम्स डाउन दैट मीन्स हो गया कि वो होने के बाद हो गया, नहीं कहता कम डाउन हो गया मतलब घटने के बाद उतना आपको दिख रहा है, दैट मीन्स बाद में जो फाइनल अमाउंट है वही हमारा क्यू है, और क्यू है ये हमको नहीं पता है। चलिए तो चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए कार रिड्यूस फ्रॉम दिस टू दिस, ये तो इजी है, फ्रॉम दिस टू दिस दैट मीन्स शुरू में हुआ होगा, तो प्राइस, मेन प्राइस ऑफ कार या फिर स्टार्टिंग प्राइस ऑफ कार इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 512000, तो हम मैं उसको सिर्फ पी लिख रहा हूँ, प्राइस है तो पी लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं 512000, ओके। अब कह रहा है टू दिस दैट मीन्स क्या हो गया, ये यानी क्यू हो गया हमारा, क्यू कितना हो गया, तो आप देख रहे हैं 343000, 343000 ये हो गया। अब कह रहा है फाइंड द यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम, 3 ईयर है तो टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, और आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिप्रेसिएशन दैट मींस आर पूछ रहा है। आप देखिए बच्चों ये डिप्रेसिएशन का कैसे है, तो सिर्फ प्लस के बदले माइनस कर देंगे, और आप उसी फॉर्मूला से बनाएंगे, उसी टाइप से बनाएंगे जहां पे आप लोग आर जिस तरह से फाइंड करते थे। तो हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू पी इंटू 1 - R/100 टू द पावर टी, ये जानते हैं, तो क्यू हमारे पास दिया हुआ है 343123 इक्वल टू पी दिया हुआ है 512000, और ये हो जाएगा बच्चों 1 - R, नहीं पता तो R नहीं पता तो मत पता कीजिए, और टू दी पावर टी, टी है हमारे पास 3। तो आप देख रहे हैं कि ये इधर से जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उससे पहले मैं ये कट कर दे रहा हूँ, है ना, ये हो गया हमारा 343/512
इक्वल टू, ये देखिए बच्चों, वन माइनस आर बाय हंड्रेड टू दी पावर क्या हो गया, थ्री। देखिए बच्चों आप फिर से याद कीजिए, आर जब हम लोगों को फाइंड करना होता था, क्या करना होता था, आर जब फाइंड करना होता था तो हम लोग पावर को देखते थे। इधर अगर थ्री पावर है तो इसका भी ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये किसी चीज का पावर क्या हो जाए, थ्री हो जाए। तो चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और कब किसका करेंगे, तो सिर्फ नीचे वाले का करेंगे, क्या करेंगे, फाइव वन टू का करेंगे। तो आप देखिए बच्चों, टू से करेंगे ये ट्वेंटी फाइव सिक्स हो जाएगा, टू से हो जाएगा ट्वेल्व एट, फिर टू से हो जाएगा सिक्स फोर, टू से हो जाएगा कितना थर्टी टू, टू से सिक्सटीन, टू से एट, टू से फोर, टू से टू, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ टी है ना, टी कितना है थ्री है, तो थ्री का पेयर लगाएंगे, थ्री के बदले एक बार टू, फिर थ्री के बदले एक बार टू, और फिर थ्री के बदले एक बार टू, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे एट। ओके बच्चों, एट, और ऊपर में क्या लिखेंगे, तो हमने कहा है कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो क्यूब है तो आप जानते हैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप भूल गए होंगे, तो आपको आई बटन में दिख रहा होगा एक लिंक, वहां जाके आप यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखिए, सेवन मिनट का मात्र वीडियो है, आप उसको अगर देखेंगे तो आप माइंड ब्लोइंग हो जाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बच्चों जब क्यूब रहे, क्या रहे, क्यूब रहे तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कहता है, अगर थ्री हो तो उसका क्यूब क्या होगा, सेवन का क्यूब होगा, जब यूनिट डिजिट पे थ्री हो तो क्या हो जाएगा, वो सेवन का क्यूब हो जाएगा। बस काम खत्म हो गया, यही है हमारे बहुत प्यारे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारे। देखिए बच्चों, पावर सेम तो बेस भी सेम होगा, देयरफॉर सी बी है, समझते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड है, आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो पावर सेम तो बेस भी सेम, पावर सेम तो बेस भी सेम, तो हो जाएगा दिस बेस इक्वल टू दिस सेवन बाय एट। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये आर फाइंड करना है तो आर को उधर लेते जाएंगे, इसको इधर लेते आएंगे, क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, आर बाय हंड्रेड इक्वल टू हो जाएगा वन, और माइनस आर सॉरी सेवन बाय एट हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वन बाय एट, और आर इक्वल टू हो जाएगा वन बाय एट इंटू हंड्रेड, यानी टू फोर जाए ट्वेंटी फाइव, फोर जाए ट्वेल्व, वन बाय टू परसेंट क्या हो गया, आर हो गया, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो बोलिए कैसा रहा, आप इसको फिर से एक बार रिमाइंड करके देखिए अगर आप नहीं समझ पाए तो, क्योंकि मैंने आर फाइंड करने के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार बताया है ना, और आप ये समझ भी पाए होंगे ये मेरा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने फास्ट बता दिया, क्योंकि कई बार हमने आर फाइंड करने का मेथड बताया है, और आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को एक बार आई बटन में जाके जरूर देख लेंगे। सर आई बटन कहाँ होता है बच्चों, तो आई बटन जब आप देख रहे होंगे तो आपको राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आई बटन होगा, आई मतलब मैं मतलब राज सर। अब हम लोग टेन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन टेन नंबर। इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग नाइन्थ क्लास के वालों के लिए ट्रायंगल भी पढ़ रहे हैं और लीनियर इक्वेशन स्टार्ट होगा, क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। तो आप जल्दी से अपना पूरा सिलेबस जो अगले टर्म में आपका वो फर्स्ट टर्म ही होगा शायद, तो नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक लूसी प्रिया का आया है कमेंट, और बेला खेतान का कमेंट आया है, उन्होंने अपना सिलेबस भेजा है, मैं उस पर एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैं इसी को देखते हुए दो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। अगर डिफरेंट आपका सिलेबस होगा तो मैं चार चार वीडियो एक नाइन्थ वालों के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, टेन नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर, टेन नंबर क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ, ठीक है,
कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी फुल ईयर। अब देखिए बच्चों, ये फुल ईयर का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं ना, ये फुल ईयर का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप इसको क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन करके बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो फुल ईयर यही कहता है, तो टाइम इक्वल टू हार्ट, ओके। और क्या कह रहा है, फुल ईयर का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, पिछले क्लास में भी आया था। विल द वैल्यू ऑफ मशीन बिकम्स लेस देन 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू से कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो लेट इनिशियल वैल्यू ऑफ किसका, मशीन का हमने सपोज कर लिया P, तो फाइनल वैल्यू ऑफ मशीन इक्वल टू क्या कह रहा है, कह रहा है कि बच्चों क्या हो जा रहा है, आप देखेंगे कि 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल, तो ऑफ है ना बच्चों, तो इनिशियल जो है हमारा P, उसका 2/3 हो जा रहा है, दैट मींस 2P बाय क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। बस खेला खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या जानते हैं, Q इक्वल टू जानते हैं डेप्रिसिएशन के केस में, पी इंटू यहाँ लिखेंगे आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 - R/100 क्या T, ये जानते हैं ना। और रेट दिया हुआ है क्या, तो रेट तो दिया हुआ है ना बच्चों, 10% दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको जो ये फुल ईयर दिया हुआ है ना बच्चों, ये फुल ईयर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो फुल ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि आप जानते हैं कि जब फुल ईयर में इनिशियल वैल्यू ज्यादा है और फाइनल वैल्यू कम हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, फाइनल वैल्यू कम आ रहा है। तो बोलिए आप जब क्यू फाइंड करेंगे, समझिएगा, जब आप क्यू फाइंड करेंगे तो बच्चों ये वैल्यू तो ऑलरेडी कम ही होगा, ये वैल्यू तो ऑलरेडी कम ही होगा। इक्वल कब होगा, जब ये हमारा कम हो जाए, ये हमारा कम हो जाए, कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए। बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो बच्चों आप ऐसे समझिए कि कोई इनिशियल में ये हमारा पी था, ठीक है, और फाइनल वैल्यू 2/3 हो जा रहा है, यानी ये क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो कम इक्वल टू, ये फॉर्मूला है और ये इक्वल टू का फॉर्मूला है, तो बच्चों ये कम हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, और ये बार बार ये जो आंसर आएगा, ये रिजल्ट जो है ये कम हो जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, देखिए कम, ये कम का मतलब ये लेस देन का साइन है ना, दिस इज लेस देन क्यू। तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो आप हमें कमेंट करेंगे, और अगर आप हमारा स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑब्वियस है कि समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, 2P/3 इज ग्रेटर देन पी इंटू 1 - R है हमारे पास 10^100 T। अब आप देखेंगे ये पी कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे हैं कि 2/3 है, यानी 0.66 होगा, कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 और फिर 6 × 3 = 6 होगा इस तरह से, और इक्वल नहीं देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू देना है। और ये देखिए बच्चों, ये कैंसिल हो गया और 10 में 1 गया, तो ये हो गया 9/10 2^T। कहने का मतलब है कि मैं एक लाइन और हटा रहा हूं, देखिए 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 0.9 × 10^T। अब आप देखेंगे ये बच्चों क्या है, ये हमारा ये छोटा है, जबकि ये कह रहा है कि ये ग्रेटर होना चाहिए, ये ग्रेटर नहीं, इससे आपको दिख रहा है कि ये स्मॉलर है। बोलेंगे कैसे सर, तो ये देखिए बच्चों, डेसिमल के बाद इधर 9 है, डेसिमल के बाद इधर 6 है, ये ट्रू कब होगा, तो हम लोग ट्रायल मेथड से करेंगे, पुट T=1, 2, 3, 4 and so on। तो चलिए अब हम लोग ट्रायल मेथड से करते हैं। आप देखेंगे पुट T=1 अगर टाइम तो 1 हो जाएगा, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 0.66 इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन लेस देन, ये हो गया 0.9, फॉल्स, क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। फिर पुट करेंगे हम लोग T=2, तो 0.66 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9×9 = 81 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.81 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं
ये क्या हो गया बच्चों, ये देखिए ये भी क्या है, ये फॉल्स है, आपको दिख रहा है ना, ये सिक्स है और ये एट है तो फॉल्स हो गया। तो फिर पुट क्या करेंगे हम लोग, टी इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि 0.66 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए बच्चों 0.9 का क्यूब करेंगे, टी का मतलब क्या हुआ इसका क्यूब करेंगे, तो 9 जा 81 और 9 जा ये हो गया 9 जा 9 और 9 8 जा 72, तो ये थ्री डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये हो गया हमारा 0.729 है। आप देख रहे हैं कि ये भी फिर ट्रू नहीं है, ये भी क्या है बच्चों फॉल्स है। तो फिर पुट करेंगे हम लोग टी इक्वल टू थ्री, समझ में आ रहा है 0.66 और इस ग्रेटर देन, अब फिर से उस पर एक पावर हो जाएगा, यानी 0.729 को किससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 जाए 81, 9 जाए 18 और 8 26 टू ये 5 हो जाएगा, है ना। और डेसिमल हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं, आप समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत पगला कॉन्सेप्ट है। आप देख पा रहे हैं बच्चों कि याद कीजिए 6.6 है और ये हो गया 6.5 हो गया, दैट मींस क्या हो गया बच्चों, ये हमारा ट्रू हो गया, ये क्या हो गया बच्चों ट्रू हो गया। कब ट्रू हुआ, जब सॉरी जब हमने टाइम को क्या लिया था, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 लेने पर हुआ, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 टाइम इक्वल टू क्या हो गया 3। तो बोलिए ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको, और इससे अलावा इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट जरूर से जरूर करें। जैसे आज एक बच्चे ने कहा कि सर फॉर्मूला आप पहले एक्सरसाइज में बताया है लिख के, तो दूसरे एक्सरसाइज में क्यों नहीं बताया है, ये आपका गलती है। बोले हाँ ये मेरा गलती है, बट बच्चों नहीं, ये गलती नहीं है, हमने पिछले आप देखते होंगे मेरा पढ़ाने का स्टाइल कि जब मैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूरा अच्छे से लिखता हूं तो दूसरे क्वेश्चन में मैं नहीं लिखता हूं। आप अपना खोपड़िया लगाइए और उस चीज को आप बार बार लिखिए। जैसे हमने क्यों छोड़ दिया है किसी भी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमने इस तरह से करके बताया है हर वीडियो में कि आप यहाँ पे अपने मन से लिखिए। लेकिन अगर आप अपने मन से नहीं लिखते हैं तो मेरी गलती है, अगले बार वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं लिख दिया करूंगा, अब हो गया प्रभु हमारे। तो ठीक है, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उसी से इम्प्रूव कर रहा हूँ खुद को, इसीलिए आप इसी तरह से हमें एडजस्ट करके अपना सलाह देते रहें। बट बच्चों आपका ये विनम्र रिक्वेस्ट हमें बहुत ही पसंद है, आप बहुत ही शालीनता से हमें डिसिप्लिन वे में हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 11। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। कह रहा है एन एयर कंडीशनर डिप्रिसिएट इन वैल्यू बाय 8%, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है 8% है, बोलेंगे ठीक है सर। कह रहा है एवरी ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2002 इट इज वैल्यूड एट दिस, दैट मींस बच्चों 2002 में समझेंगे ये 2002 में किसी चीज का वैल्यू कितना है, तो 18400 यही है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ वन नंबर में है 2003 में क्या था, तो बच्चों 2003 में कितना था, यानी क्या पूछ रहा है आप देखेंगे, ये देखिए बच्चों कौन Q है और कौन P है, आपको Q और P में ही डिसाइड करना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो कह ही दिया है कि ये डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी यहाँ माइनस तो होगा ही होगा, बस आपको ये डिसाइड करना है कि कौन Q है और कौन P है। तो आप देखेंगे बच्चों
टाइम जो इस तरह से होता है 2002 और उसके बाद होता है 2003, तो आपको जो अमाउंट दिया हुआ है ना बच्चों वो 2002 का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2002 का 8400 ये दिया हुआ है, और 2003 का पूछ रहा है। तो बच्चों ये शुरू वाला है तो P, ये बाद वाला है तो क्या है? Q। That means ये क्लियर हो गया बच्चों कि 2003 और 2002 के बीच में गैप कितना है, तो बोलेंगे आप 1 ईयर का। आप लिख लेंगे अमाउंट ऑफ, यानी क्या कह रहा है, एयर कंडीशन का क्या है ये वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ एयर कंडीशन इन 2002 इक्वल टू पी इक्वल टू दिस। आप समझ रहे हैं लैंग्वेज? फिर से एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए। फिर लिखेंगे वैल्यू ऑफ एयर कंडीशन इन 2003 इक्वल टू क्यू इक्वल टू व्हाट। ओके बच्चों, और कुछ नहीं। तो चलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर T, ये ना डेप्रिसिएशन का केस है। तो क्या हो गया बच्चों, हमारे पास Q नहीं पता है और P हमारे पास दिया हुआ है दिस वन, और ये हो गया 1 माइनस R दिया हुआ है 8% और टाइम तो 1 ईयर है, तो उसको लिखेंगे ही नहीं। बोल ठीक है सर, आप मत लिखिए, हम आपको देख लेंगे। तो देख लेना बच्चों हमारा वीडियो, जितना देखना है देखो, हमको देख लेगा तुम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। देखिए बच्चों 23 हो जाएगा ऊपर में और बाय 25 हो जाएगा। बोलेंगे वाह सर वाह, वाह सर वाह। देखिए 25 से ये कैंसिल होगा, होगा होगा 25 सेवन जा 175 और 5 और 4 9, तो 90 हो जाएगा। 25 3 जा 75 और ये हो गया 15, तो ये 10 और फिर क्या हो गया, ये हो गया यहाँ 6 दिस वन हो गया। तो आप जान रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करने, हम नहीं जान रहे हैं क्या? आप जान रहे हैं तो जानिए। 23 क्या 6 से जाए 3 से जाए 9 10 22 69 28 69 28। नाना जी से जाके कर भेंट जल्दी, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आप समझ रहे हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल गया कब, 2003 का निकल गया। अब फिर देखिए ये हो गया 1 नंबर का सॉल्यूशन, ये क्या हो गया बच्चों 1 नंबर का। फिर आपको यहाँ दे रहा है तो मैं एडिट करूंगा, एडिट क्या करूंगा, मैं एडिट करूंगा, लेकिन आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं भी एडिट नहीं करूंगा, आपको मैं फिर से समझाऊंगा, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाने का बीड़ा उठाया है, समझना रहा है ना। अब आप समझेंगे, आपके पास दिया हुआ है क्या, क्या दिया हुआ है बच्चों, आपके पास दिया हुआ है 2002 का दिया हुआ है ना, और आपसे पूछ क्या रहा है 2001 का पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये पीछे जा रहे हैं, ये दिया हुआ है 2002 का, तो ये बाद वाला दिया हुआ है, तो बाद वाला क्यू होता है, और ये जो पहले होता है वो क्या होता है, पी होता है। यानी यहाँ क्या हो गया, मामला पलट गया, बाजी पलट चुका है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एयर कंडीशन इन 2001 इक्वल टू पी हो जाएगा, इक्वल टू कितना, तो वाट। तो पी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, पी इक्वल टू हो गया वाट, ये 2 नंबर में। और द वैल्यू ऑफ एयर कंडीशन एन 2002 में, तो ये इक्वल टू क्यू इक्वल टू ये दे दिया, बस पलट गया और कुछ नहीं। तो क्यू इक्वल टू वन सॉरी पी इंटू 1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर टी। ज्यादा पानी हो गया, पानी पानी बहुत दिन से नहीं हुआ था, इसीलिए पानी हो गया, पानी 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 और दिल भी थानी 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 हो गया। बच्चों आप देखिए क्यू है हमारे पास 8400 और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू पी है नहीं पता, 1 माइनस आर, आर है 8 और टाइम कितना है, टाइम का गैप ये देखिए 2001 और 2 एक ही साल का है गैप, कितना है एक ही साल का गैप है, समझ में आ रहा है ना। चलिए 1840 इक्वल टू देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 25 23 पी बाय 25 ठीक है। हाँ ठीक,
तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन P इक्वल टू हो जाएगा 18400 इनटू 25 बाय 23। मैंने आपको कहा है P कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, तो ये इससे डायरेक्ट कटेगा। बोला ऐसा है क्या सर? तो बोले हाँ ऐसा ही है। आप देख रहे हैं कि ये देखिए बच्चों, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट 8 3 जा 24 फोर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ये ना हुआ, हे भगवान हे। तो ये हो गया हमारा 20,000। क्या बात है, क्या बात, आप समझे ये बात, ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम पागल हो गए थे। ये देखिए ये 3 है ना बच्चों, तो 3 8 जा 24 यानी 4 यूनिट डिजिट हुआ। तो ये 8 टाइम्स में डायरेक्ट कट रहा था और ये है यूनिट डिजिट का। आपको ना समझ में आया, आई बटन में क्लिक कीजिए ना, कौन सी देख रहे हैं आप, रहा है उसको देखिए। 12 में क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट एवरी ईयर पर ईयर 10%। ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 10%। बोले आपको कोई दुख तकलीफ है तो बोलिए। बोले नहीं सर कोई दुख नहीं है, आप हैं और दुख। इट वॉज परचेज फॉर दिस व्हेन न्यू, जब नया था यानी स्टार्टिंग में था तो परचेज किया, कितना में किया, कितना में किया बहुत लहरा बार में 15,000। कितना है 15,000? एडजस्ट कीजिए, हमारे पास कोई उपाय नहीं है इसका, है ना। तो कह रहा है इट वाज सोल्ड फॉर दिस, है ना, जब उसको बाद में सोल्ड कर दिया गया तो बाद में उसका फाइनल में क्या हो गया, सोल्ड हो गया। कितना में? 10,935 में सोल्ड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग में था और ये हो गया कि हो गया। तो आप ऐसे भी देख रहे हैं कि ये कम हो गया था, इसमें डेप्रिसिएशन हो गया। तो टाइम कितना, तो टाइम पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स मशीन इज यूज्ड बिफोर सेलिंग, सेलिंग से पहले कितना टाइम रखा, तो टाइम पूछ रहा है बस। ये तो और आसान था, तो Q इक्वल टू हो गया P इनटू डेप्रिसिएशन करके 1 - R/100 to the power T, मतलब बिल्कुल। तो बच्चों Q है हमारे पास 10,935। आपको डर लग रहा होगा ये डाटा से, बट डाटा इज ए वेरी सिंपल, डोंट वरी, ये हो गया, डोंट वरी। ठीक है, देखिए बच्चों 10,935 और ये इधर से आपको टी फाइंड करना है। टी फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है। 10 - 1 9/10 to the power कितना, अब देखिए पहले ये 5 से कट रहा है, कितना से कट रहा है 5 से। बोलेंगे हाँ सर 5 से कट रहा है, तो बच्चों 3 5 जा 1 2 3, तो बच्चों ये भी 2 5 जा 1 5 जा 4 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 7 5 जा। ओके बच्चों, देखिए ये 3 से कैंसिल होगा, देखिए 3 है ना, या देखिए 1 2 1 3 और ये हो गया, ये देखिए 8 7 15, तो ये 3 भी 3 कट रहा है, 15 भी 3 कट रहा है। ये है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, क्या है डिविजिबिलिटी रूल। ये हो गया 3 कट गया, ये हो जाएगा 7 3 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा और ये हो जाएगा 9 3 जा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ये बच रहा है 9/10 to the power T इक्वल टू बच रहा है 729/1000। आपको हमने कहा है जब भी टी फाइंड करना हो तो बेस को इसमें क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। बोले हाँ सर ये तो नहीं पता था। देखिए ये जब बेस इधर वाला रहे ना, ये डिनोमिनेटर, इसके ये बेस नीचे वाला से, इसको क्या कीजिए, नॉट अनप्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने पिछले वीडियो में कहा था अनप्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 100 जा, फिर 10 10 जा। तो आप देख रहे हैं ये 10 और 9 पे क्या हो गया, पावर टी इक्वल टू ये हो गया 10 का कितना, तो आप कहेंगे कि 1 2 3, 10 पे 3, तो बच्चों ये 9 पे 3 होगा ही, सोचना नहीं है। मतलब हाँ ऐसा होगा, तो बच्चों ऐसा ही होगा, तो सी बी एस लगा देंगे और टी इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। बोले कैसा रहा, ये नहीं समझ में आया, अले बेवकूफ हो, ये हमने हजारों बार बताया है। आप एक्सरसाइज 1A 1B 1C देखिए, तब 1D में आके डांस कीजिएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और ये टाइप खत्म हो चुका है,
अब लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं और हमारा 35 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो आप समझ रहे हैं कि 45 मिनट में इसको कंप्लीट कर देना मैं चाहूंगा। कह रहे हैं कि मिक्स क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मिक्स को तो हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, कह रहे द प्राइस ऑफ कार इज 3 लाख शुरू में है, तो प्राइस ऑफ कार इक्वल टू पी इक्वल टू 3 लाख। यस सर, यस यस, द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिसिएट बाय 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फिर कह रहा है आफ्टर दैट डेप्रिसिएट 25% एवरी ईयर, है ना। तो फिर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आफ्टर 3 ईयर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि Q इक्वल टू व्हाट कीजिए, कितना टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। बस यहाँ लफड़ा ये कर दिया ना कि वेरिएबल रेट दे दिया, तो रेट फॉर, समझ रहे, रेट फॉर फर्स्ट ईयर दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर दिया हुआ है कितना परसेंट, 20%, कितना परसेंट, 20%। बोलेंगे कि और फिर जो है ना एवरी ईयर जो लेता है वह 25%, यानी रेट ऑफ फर्स्ट ईयर यानी R1 इक्वल टू 20%, कोई दिक्कत है। दूसरे साल जो लेता है ना R2 इक्वल टू 25% और R3 इक्वल टू भी क्या है हमारा 25%। बोलेंगे हाँ सर ये समझना आ रहा है, तो बच्चों बस खत्म हो गया। Q इक्वल टू पी इंटू डेप्रिसिएशन है तो 1 - R/100 to the power T नहीं R1, फिर 1 - R2/100 और 1 - R3/100, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेट, है ना। तो रेट चले 3 लाख यानी 50, 1, 2, 3, 4, 50 इंटू, देखिए बच्चों 1 माइनस पहले ईयर में कितना है 120/100, दूसरे साल कितना है 1 - 25/100, तीसरे साल क्या है 1 - 25/100। ओके, आप कहेंगे हाँ सर ठीक है, ये 5 हो गया और ये हो गया 4 और ये हो गया 4। देखिए बच्चों ये हो गया 3, 1, 2, 3, 4, 5 इंटू, ये देखेंगे 5 बन जाए 5 और 1 माइनस हो गया तो हो गया 4 बाय 5 इंटू, ये हो गया 4 1 3/4 इंटू 3/4। बोलेंगे यस सर, तो देखिए ये 4 कैंसिल हो गया, बोले यस सर, 5 से 6 से कैंसिल हो गया तो 1, 2, 3, 4, 0 हो गया। देखिए बच्चों अब ये 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 15, तो 1, 2, 3 हो गया, 3 3 9 और 15 135, कितना हो गया 135, कितना 0 चुपकाऊ 1, 2, 3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 3 कितना है पता है ना 1.3 लाख, तो 1, 2, 3, 4, 5 के बाद अगर डेसिमल दे देंगे तो लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा लाख। तो समझ में आ रहा है ना कि डेप्रिसिएशन के बाद हमारा 3 लाख से क्या हो गया, ये क्या था, आप समझ रहे हैं ना, भावनाओं को समझिए, भावनाओं को समझो ना, समझो ना कुछ तो समझो ना, समझो ना, मत समझो, मत समझो, मत समझो रे बच्चा। आज बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे साथ नए नए जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का मैं दिल से अपने इनर हार्ट से वेलकम करता हूँ, वार्म वेलकम करता हूँ। और आप सबकी दुआ से ठंडी का मौसम आ चुका है, आप देख रहे हैं कि मैं कूल हूँ। रमसम वायरस ने नहीं, हैकर ने हमारे कंप्यूटर पे अटैक किया था, लैपटॉप पे अटैक किया था और सारे डाटा को खा गया, है ना। फिर भी मुझे कोई गम नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपके प्यार पे ही तो हम जिंदा है, है ना, आपका सपोर्ट है, तो फिर क्या चीज का गम है, समझ रहे ना, क्या रो के करूं, एक दिन रोया काफी है, अब मैं क्यों रोऊं, नहीं रोना है हमको। चलिए, कह रहा है ए मैन बाउट ए फ्लैट, खरीदिए हम भी खरीद लेंगे आप लोग की दुआ से। तो चलिए बच्चों P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बाउट कर रहा है दैट में शुरू में है उसके पास इतना है, है ना, कर रहा था प्राइस। अगर मेरा वीडियो रुक गया तो, नहीं रुका है, टेंशन मत लीजिए, नहीं रुका है, कर रहा है द प्राइस ऑफ फ्लैट एप्रिसिएट, तो आप लिखेंगे ऐसे नहीं लिखेंगे, रेट ऑफ एप्रिसिएशन इक्वल टू R1 मान लीजिए, है ना, एप्रिसिएट कह रहा होगा इन फर्स्ट ईयर, देखे कह रहा था एप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर,
इक्वल टू आर वन इक्वल टू कितना दिया हुआ है रेट ऑफ एप्रिसिएशन, तो कहेगा कि 20% दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना 20%। ठीक है, फिर कह रहा है फर्स्ट ईयर ड्यू टू सम रीजन, किसी भी प्राइस सब्सिक्वेंट ईयर गोज ऑन डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, उसके बाद जो है ना 10% से डिप्रिसिएशन होने लगा, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, समझ में आ रहा है ना, सेकेंड ईयर में भी डिप्रिसिएट होगी 10% डेप्रिसिएट हुआ, फिर रेट ऑफ फिर से सब्सिक्वेंट मतलब आगे चलते रहा तो थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएट हो गया, कितना 10% हो गया। क्लियर है? बोले हाँ सर क्लियर तो है, 10% से डेप्रिसिएट हो गया। तो कह रहा है कि इस व्हाट विल हिज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इट, अब देखिए यहाँ है प्रॉफिट लॉस दैट मीन्स गैप, यानी पी और क्यू का गैप को ही प्रॉफिट या लॉस कहेंगे, अगर बढ़ गया यानी 10 लाख से ज्यादा हो गया क्यू तो प्रॉफिट, 10 लाख से कम हो गया क्यू तो लॉस, दैट मीन सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा क्यू और फिर प्रॉफिट और लॉस जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए तो क्यू इक्वल टू आप फॉर्मूला जानते हैं पी इंटू देखिए एक बार एप्रिसिएशन हुआ तो 1 + R1/100 टू दी पावर टी नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये टूट जाता है इस तरह से, फिर 1 - R2/100 क्योंकि डेप्रिसिएट हुआ है, फिर 1 - R3/100 क्योंकि डेप्रिसिएट हुआ है। बोले हाँ सर बहुत अच्छा, तो बच्चे 10 लाख मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 0 इंटू, देखिए 20% डेप्रिसिएट नहीं एप्रिसिएट हुआ है, यानी आप कहेंगे 1 + 20/100 बोलेंगे यस सर, फिर बोलेंगे 1 - 10/100 यस सर, फिर बोलेंगे आप 1 - 10/100 नो सर, तो मारेंगे ना दांत झाड़ देंगे, ये 5 हो गया और ये हो गया 10 1 0 खत्म, ये देखिए ठीक है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलेंगे 6 कैसे तो इधर से इसे इंटू, देखिए 5 1 6/5 इंटू ये देखिए 10 है और ये 9/10 इंटू 9/10 बोलेंगे यस सर, 2 0 उड़ा दीजिए और ये 5 से इसको उड़ा दीजिए तो 1, 2, 3 0 बना दिए। अब देखिए 9 9 = 81 और फिर 6 जा तो 6 2 = 12 तो मैं 12 से डाल कर लूँगा 2 1 = 2 8 2 = 16 81 2 7 9 कितना हो गया बच्चों 972 और कितना जीरो चिपकाऊँ 1 2 3 तो 1 2 3 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रॉफिट लॉस पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा है, आप देख रहे हैं कि 10 लाख में ये क्या हो रहा है सेटल्ड हो रहा है और ये 10 लाख नहीं है ये 9,72,000 ही बचा, तो क्या हो गया बच्चों तो इन दिस केस ही हैज लॉस कितना लॉस अमाउंट ऑफ लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आप देख रहे हैं कि पी ज्यादा है तो पी माइनस क्यू That means, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना तो हो जाएगा जितना हो जाएगा हमको नहीं पता। गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना मैं नहीं आऊंगी, मेरे पास भाड़ा नहीं है छुट्टा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो बनाने में आनंद है, पता नहीं कितना आनंद है, कह रहा है ए मैन बाउट ए प्लॉट ऑफ फॉर वही हुआ ऑफ लैंड फॉर दिस, यानी बाउट क्या है शुरू में उसके पास था, तो प्रिंस आप लैंग्वेज लिख लेंगे ना, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लॉट इक्वल टू 1640 कोई दिक्कत है 1640 एंड ए कार, अच्छा एक बाउट क्या लैंड इतना में और एक कार इतना में सेम टाइम, अच्छा ठीक है। चलिए तो आप लिखेंगे ना, यहाँ लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ लैंड इक्वल इतना और कॉस्ट ऑफ कार इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा 1840 हो गया। चलिए करा प्राइस ऑफ प्लॉट लैंड ग्रो यूनिफॉर्मली एट द रेट 25% तो केस वन केस टू कर दीजिए, क्या कर दीजिए केस वन, तो बच्चों ये देखिए ये इसको मिटाता हूं मैं, ये हो गया केस वन और ये हो गया केस टू। ओके बच्चों ये हो गया कॉस्ट ऑफ लैंड और ये हो गया कॉस्ट ऑफ कार इक्वल टू 1, 8, 1, 2, 3, 4 ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि लैंड जो है ना वो एप्रिसिएट हुआ तो रेट
ऑफ एप्रिसिएशन, आप समझ जाएंगे ना, रेट ऑफ एप्रिसिएशन इक्वल टू कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे कि सर 25%, 25%। और कह रहा है कि व्हाइल प्राइस ऑफ कार डिप्रिसिएट बाय 20%, सही बात है, कार खरीदेंगे तो डिप्रिसिएट ही होगा, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएट कितना परसेंट, 20% डिप्रिसिएट होगा, क्योंकि वो क्या होगा, यूज होने लगेगा ना, फिर यूज हो जाएगा, तो 20% डिप्रिसिएट हो जाएगा। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। इफ द मैन सोल्ड सेल द प्लॉट ऑफ लैंड एज वेल एज कार आफ्टर 3 ईयर, तो बच्चों टाइम क्या हो गया दोनों के लिए, 3 ईयर, 3 ईयर। तो बाद में सोचेंगे, सबसे पहले हम लोग क्यू फाइंड करेंगे, तो क्यू इक्वल टू क्यू ऑफ, यानी लिखेंगे लेट फाइनल अमाउंट ऑफ कार, सॉरी ऑफ लैंड आफ्टर 3 ईयर, लेट फाइनल अमाउंट ऑफ लैंड आफ्टर 3 ईयर इक्वल टू क्यू इक्वल टू पी इंटू एप्रिसिएट है तो प्लस हो जाएगा, तो पी इंटू 1 + R/100 टू दी पावर 3, तो बोलेंगे यस सर, तो 16 1 2 3 4 इंटू 1 + R है हमारे पास 25/100 टू दी पावर 3, बोलेंगे यस सर। देखिए ये 4 से कैंसिल हो गया, और 4 1 5 5/4 का क्यूब है, तो 5/4 और फिर 5/4, बोलेंगे यस सर। 4 4 = 16, देखिए 16 से ये 16 कट गया, तो 1 हो गया, हो गया 4, अब फिर देखिए 4 से कट जाएगा, देखिए 4 से 25 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, तो देखिए बच्चों 125 × 25 ये हो गया 31 25 और 2 0, ये हो गया हमारा क्यू, ठीक है। चलिए फिर इसके लिए क्यू फाइंड करेंगे, तो क्यू इक्वल टू, यहां मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप देखिए 1 8 1 2 3 4 इंटू, आप देखेंगे ये डेप्रिसिएट हुआ है, तो 1 - 20/100 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 नहीं टाइम है ना, 3, तो 3। बच्चा बहुत हल्ला कर रहा है ना, बच्चे लोग बहुत बदमाश हो गए, मैंने 4 बार उसको समझाया बट नहीं समझा, कोई बात नहीं, नहीं डांट सकते हैं आजकल के बच्चे को, तो 4 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, 5 1 4 हो जाएगा, क्या हो गया 1 8 1 2 3 4 इंटू, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। देखिए बच्चों ये हो जाएगा, मैं ऐसे करूँ 175, तो 5 फिर बच जाएगा 2 जा, कितना हो गया पता है, यहाँ तक कट गया, ये हो गया, फिर 5 से तो ये हो गया बच्चों 5 1 = 5, 5 2 = 10 ना, 5 5 2 ना, तो 5 4 जा और 5 4 जा, ये हो गया, तो बच्चों हो गया हमारा 144 × 64। ये हो गया हमारा 92 2 6 और कितना 0 चिपका दूं, 1 0 चिपका दूं, तो ये हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोले हाँ सर समझ में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा दोनों क्यू हो गया, तो आप लिखेंगे फाइनल अमाउंट ऑफ कार और ये हो गया फाइनल अमाउंट ऑफ लैंड। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखिए, कह रहा है व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस, कह रहा है कि व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस, तो आप देखेंगे कि पहले उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो आप लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, आप लिख लीजिए ना, आप मैं थक गया हूं, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, देखेंगे यहां 16 40 16 40 और यहां पे है 18 40, ये हो गया बच्चों 0 0 0 0 और ये हो गया 34, इतना इन्वेस्ट किया था, ठीक है, इतना इन्वेस्ट किया था, और फाइनल अमाउंट क्या हुआ, फाइनल प्राइस ऑफ बोथ लैंड एंड कार इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 31 2 5 00 और 9 2 2 6 0, तो आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा एक डिजिट इधर 9 2 2 6 0, ये हो गया 0 6 7 4 0 4, ये देखते हैं ये हो गया, तो देखिए बच्चों लॉस कितना हो रहा है, तो आप देखेंगे लॉस हो रहा है ना, ये देखिए यहाँ क्या है हमारा 1 2 3 4 के बाद और ये 1 2 3 4 के बाद, नहीं लॉस नहीं हो रहा है,
प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना हो गया प्रॉफिट बच्चों? तो आप बोलेंगे देखिए ये 440 पे 40 और ये 34 है, तो पहले पी था ये क्यू है हमारा, तो क्यू माइनस पी बाद में ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट हो गया। तो बच्चों आप समझ रहे हैं 440760 और माइनस हो गया हमारा 34 1 2 3 4, ये हो गया बच्चों 760 और 4 और 6, तो 64 70। कुछ गड़बड़ हो गया, सेवन कुछ मल्टीप्लिकेशन में गलत हुआ होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 7 आ गया बच्चों, है ना। अब मैं उतना वेरीफाई नहीं करूंगा, आप वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि जब उतना डिजिट हो गया तो आपका हो ही गया होगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे थे वो स्टूडेंट हमें कमेंट कर देंगे कि इसके बाद आप कौन सा एक्सरसाइज चाहते हैं, आपको जल्द ही मिल जाएगा सारा एक्सरसाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बाय।